Hello guys, hope you are doing well. Today's topic is inflation. This is one of the most important topic, not only for a competitor but for also the general people. But so many people have no idea about inflation. Inflation is the rise of price level of general commodities, means which you can buy in the past, you cannot buy at present with the same price. So many definition is given by so many economists. Among these, the most important are: inflation is a continuing increase in the general price level. Continuing, जो रुका नहीं रहता, लगातार बढ़ता जाता है. इट इज इंक्रीज डे बाई डे. मान लीजिए कि एडिबल ऑयल बढ़ के रुक गया नहीं, बढ़ता रहता है. आज 100 रुपये, 150, 165, 170, आफ्टर 4 मंथ 180, बट लेस नहीं हो रहा है. दिस इज द पॉइंट. द सेकेंड, This was according to Bruman, and this is: inflation is too much money chasing too few goods. Calvin, inflation is too much money. पैसा ज़्यादा हो गया, commodities कम हो गया, और उस कम commodities के पीछे बहुत सारे पैसा भाग रहा है, चेस कर रहा है. This is called inflation. So many definition. But in general, we can say an increase in the average price level of goods and service in a nation over time, increase in the average aggregate, जो प्राइस लेवल है. मान लीजिए कि एडिबल ऑयल का प्राइस 100 रुपये था, अभी 200 रुपये हो गया, जस्ट वन कमोडिटीज. तो एडिबल प्राइस का 100 रुपीज इंक्रीज हुआ. मान लीजिए कि कोई मसाला जो और जो यूटेंसिल्स होता है, किसी का 50 रुपये इंक्रीज हुआ. सुगर का मान लीजिए 20 रुपये इंक्रीज हुआ. और कुछ वेजिटेबल्स कुछ है जिसको 10 रुपये इंक्रीज हुआ. तो इस तरह किसी का 10 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 50 रुपये, किसी का 20 रुपीज जो इंक्रीज हुआ, उनमें से एग्रीगेट एवरेज कितना इंक्रीज हुआ. इसे मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है. तो एवरेज, व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज ऑफ द कमोडिटीज, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन. ये कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है. किसी एक का चीज वन कमोडिटीज बढ़ गया तो एग्रीगेट एवरेज जो प्राइस लेवल वो नहीं बढ़ सकता है. तो उसको एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा. बस वन जो कमोडिटी जिसका भाव बढ़ गया है, सिर्फ उसका ही कहा जाएगा कि ये चीज बढ़ गया. तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग इस्तेमाल भी कम कर देगा, तो धीरे धीरे वो भी कम डाउन हो जाएगा. लेकिन एवरेज जो जितने सारे जो कमोडिटी है उसको भाव बढ़ गया तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है. सो इन्फ्लेशन इसको मेजर की कैसे किया जाता है, तो आपको मन में सवाल होगा कि ये कैसा है, किसको इसको इसको मेजर किया जाता है. ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मतलब समझ में नहीं आता. हालांकि अखबार में देखता है कि इन्फ्लेशन रेट 6%, 2% ऐसा देखता है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आता. तो चलिए देखते हैं क्या है. पर मैं आपको सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ, जो जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि चीज़ ऐसा ही है. तो देखते हैं क्या है. तो इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, उनमें से दो टर्म आपको याद रखना है, दो टर्म से आपको परिचित होना. एक है CPI. सो व्हाट इज CPI? CPI इज प्राइस इंडेक्स, द प्राइस ऑफ वेटेड एवरेज मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउसहोल्ड. आम आदमी, हम और आप जो चीज खरीदते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जैसे मार्केट में इंडिया में कह रहा कि 700 से आसपास जो चीज़ है, जो होल इंडिया में जिसको ट्रांजेक्शन होता है, जो हम और आप खरीदते हैं, चाहे ऑनलाइन है, ऑफ मार्केट में है, कहीं भी है,
तो वो जो हम लोग जनरल पब्लिक जिससे मार्केट से कुछ दुकान से जो कुछ खरीदते हैं, दिस इज कॉल्ड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देन डब्ल्यूपीआई, व्हाट इज डब्ल्यूपीआई? डब्ल्यूपी इज द प्राइस ऑफ होलसेल गुड्स, जो बड़े बड़े मार्केट में जो होलसेल डीलर मेसर्स जो होता है, जो होलसेल गुड सप्लाई करता है, तो वहां का जो प्राइस है जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो टोटल इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो लोग जाते हैं मार्केट में, देखता है कि अभी क्या भाव क्या है, हर 3 महीना 4 महीना की एक शॉर्ट बेसिस से ये लोग मार्केट सर्वे करता है कि इसका प्राइस किस कैसा है, ऑयल एडिबल ऑयल का प्राइस कैसा है, प्याज का प्राइस कैसा है, दाल का प्राइस कैसा है, इस तरह वो लोग मार्केट सर्वे करता है, देखता है कि कितना इस सीपीआई, इंडिया में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इनमें फर्क होता है, क्योंकि जो होलसेल प्राइस में जो चीज प्राइस होता है, देखा जाए कंज्यूमर प्राइस में इसका जो नेचुरल जो डिफरेंस है उससे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ का कि टैक्स लेता है कोई मार्केट में, कोई कम्युनिकेशन जो प्राइस होता है उसमें ज़्यादा है, कोई प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, तो इसलिए क्या है कि डब्ल्यू पी आई से सब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम और आप खरीदते हैं उनमें से डिफरेंस हो जाता है, नेचुरल डिफरेंस होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो जाता है कहीं की जगह में कहीं भी है, तो इसलिए ज़्यादातर इन्फ्लेशन मेजर करने में सीपीआई का इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें और एक क्वेश्चन है कि बेस ईयर एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर जब अभी का बेस ईयर है मान लीजिए 2011 to 2012, ये जो बेस ईयर है ये बेस ईयर में इंडिया को जो आरबीआई में तो एक पता चलता है कि मार्केट में कितना प्राइस है, मान लीजिए कि मार्केट में अभी 3 लाख प्राइस है, 3 लाख प्राइस अभी इंडियन इकोनॉमिक मार्केट में खुला हुआ है, तो उनमें से ट्रांजेक्शन हो रहा है, और उसमें से 2011-12 में किसी दाल का एक प्राइस था, ऑडिबल ऑयल्स का प्राइस था, शुगर का जो जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं उसका एक प्राइस है 2011-12 में, वहाँ पर भी कितना मानी था वो भी पता रखा जाता है। तो उसके बाद में 2015-16 मान लीजिए, और 2020-21-22 इस टाइम में अभी का जो प्राइस है वो दिखाया जाता है, देखा गया कि किसी एडिबल ऑयल का 100%, दाल का 15% पर किलो, सब्जियां जो टोमेटो वो 10 रुपया, इस तरह बहुत सारे जो सो मेनी कमोडिटी जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है 2011-12 में क्या था अभी क्या है, तो इस तरह एक फॉर्मूला बना जाता है, जो बेस ईयर है उनके रखा जाता है, ये बेस ईयर जो मान लीजिए अभी 2011-12 है, ये बेस ईयर नीचे रखा जाता है, और अभी का 2022 और बेस ईयर का 2011, तो ये इस ईयर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी का अरे बेस ईयर का, ये भी बेस ईयर का, तो अभी का है और बेस ईयर से इसको माइनस किया जाता है, बेस ईयर से डिवाइड किया जाता है, और 100 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरह सीपीआई से और डब्ल्यूपीआई कुछ भी हो सकता है, सीपीआई से और डब्ल्यूपीआई दोनों में, फिर मैं बता देता हूँ कि बेस ईयर से पहले अभी का जो प्राइस है उसके बाद जो प्राइस है ये दोनों में डिफरेंस किया जाता है, बीच में नीचे बेस ईयर रखा जाता है उससे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरह ये इन्फ्लेशन इसको मेजर किया जाता है। तो इंडिया में जो ये मार्केट का जो प्राइस है ये इंडिया का गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है वो ऑफिशियल मार्केट में उसको डे टू डे टाइम टू टाइम इसको रिपोर्ट करता है कि आप अभी का प्राइस लेवल क्या है, आरबीआई इसको
कैलकुलेट करता है कि मार्केट में कितना सारे कितना पैसा दिया हुआ है, छाड़ा हुआ है, जिसको जिसके जरिए टेंडेंस हो रहा है। टाइम टाइम प्राइस का जो लेवल है, प्राइस का भी सप्लाई बढ़ता है, उस तरह उस आधार पर इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो नेचुरल है कि उससे भी अननेचुरल हो जाता है, तब वो तकलीफ का तो वो टेंशन का बात आरबीआई के पास और गवर्नमेंट के पास जो इकोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट है उन लोग का तो थोड़ा सर दर्द होने लगा है, लगता है। तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आइए, ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो इंक्रीज परसेंटेज है, 0 से 1% 2% 100 200% कितना भी हो सकता है, पर ये जो परसेंटेज के इंक्रीज का जो आधार है उसके बेसिस उससे पहले और एक टॉपिक कि ये जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का कॉज क्या होता है। अभी तो पता चला कि इसको किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद आइए कि ये होता क्या है, क्यों है इन्फ्लेशन, क्यों होता है। क्योंकि जितना सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट, पॉलिटिशियन, जितना सारे लोग हैं, सभी लोग इसमें ध्यान देता है, सभी लोग चाहता है कि पैसा मनी ज़्यादा सप्लाई हो, लेकिन मनी सप्लाई से कुछ नहीं होता है। अगर इन्फ्लेशन रेट ठीक नहीं रहेगा, जितना सारे एक्सपर्ट को बुलाता है, इकोनॉमिस्ट लोग कहता है, जो आपके पॉलिटिशियन सभी लोग जो फिनांस डिपार्टमेंट से जुड़ा रहता है, सभी लोग का एक ही मकसद रहता है कि इन्फ्लेशन रेट को नॉर्मल किया जाए। जितना सारे मैक्रो इकोनॉमिक के लिए एक्सपर्ट बुलाया जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने अखबार में पेपर में आर्टिकल लिखता है इस आधार पर किस प्राइस लेवल को किस तरह रखा जाए। तो फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? दोनों है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? इज द अपवर्ड प्रेशर ऑफ प्राइस दैट फॉलोज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, फॉलोज द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। डिमांड बहुत बहुत ज्यादा हो गया, अपवर्ड प्रेशर, जो मार्केट में जो चीज बेच रहा है, बिक रहा है, उनका उसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये डिमांड कैसे कब बढ़ता रहता है, क्या कॉज है ये डिमांड बढ़ने का? पहले है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन का तो कुछ डिमांड रहेगा ही। तो एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उसका ग्रो कर गया तो जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई, उसका डिमांड भी ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो गया तो प्राइस भी बढ़ेगा, वन कॉज। नेक्स्ट, राइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, इनकम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि इनकम भी बढ़ेगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ गया है, तब तो इतना सारा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट और इनकम ज्यादा बढ़ गया तो प्राइस जो कमोडिटी है उसका पैसा रहेगा, तो लोग खरीदने का मन करेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। जो अर्बनाइजेशन होता है, अर्बनाइज क्या होता है कि कोई रूरल एरिया स्लोली चेंज इन टू अर्बन एरिया, दिस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन हो गया तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर हो, फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये दोनों का चीज़ का भाव डिमांड बढ़ जाता है, तो वन इज द पॉइंट इज अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट, ब्लैक मनी। व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी जो मनी है जो एक आदमी के पास अपना टैक्स देकर लीगल हुए थे, जो पैसा कमाया जाता है, जिसका गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उसके बाद लीगल वे में जो मनी अर्न किया जाता है इसको व्हाइट मनी कहते हैं। और इलीगल वे में जिसका कोई ठीक तरीके से नहीं किया गया है, टैक्स को छूट दिया गया है,
अगर वो आदमी बता दे कि जिस तरह इलीगल वे में मनी को अर्न किया है तो उस लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह जो मनी है इसको ब्लैक मनी कहा जाता है और ब्लैक मनी इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देता है। सो ऑल दीज आर द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, जो प्रोडक्शन को जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। डिमांड लगभग सेम है लेकिन जो प्रोडक्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। जैसे किस तरह बढ़ सकता है? एनर्जी प्राइस, अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ जाता है तो जिस प्रोडक्ट में लगभग सारी प्रोडक्ट में ऑयल और कोयला का एनर्जी का जरूरत होता है तो एनर्जी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है जो रॉ मटेरियल का जरूरत होता है उसका अगर भाव बढ़ गया उसका कॉस्ट बढ़ गया तो हो सकता है इन्फ्लेशन। और उसके लेबर का जो वेजेस है वो जेस में काम नहीं कर रहा है, लेबर को वेजेस बढ़ाना पड़ रहा है तो उस आधार पर इन्फ्लेशन हो सकता है। उसके बाद इरेगुलर सप्लाई, जो सप्लाई वो रेगुलर नहीं है, पब्लिक पैनिक हो रहा है कि अभी सप्लाई ठीक नहीं है, कब क्या होगा पता नहीं, तो इस आधार पर पब्लिक बहुत ज़्यादा जिनिस खरीदने शुरू कर देता है, ये भी एक कारण है। शॉर्टेज ऑफ, उसके बाद होर्डिंग, कुछ बिजनेसमैन वो लोग क्या करता है कि कुछ स्टॉक कर देता है, एक्स्ट्रा स्टॉक कर देता है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक करने के कारण क्या होता है कि प्राइस जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद प्राइस राइज ऑफ इंपोर्ट, जो रॉ मटेरियल जो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है उसका अगर प्राइस बढ़ जाता है तो एक और कारण है हाई प्रॉफिट हाई टैक्स। जो बिजनेसमैन है वो लोग हाई प्रॉफिट कमाना चाहता है तो भी हाई टैक्स गवर्नमेंट को इस प्रोडक्ट में ज़्यादा टैक्स लगा देता है तो इस तरह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद आइए और एक काज है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का भी एक बड़ा बहुत बड़ा हाथ होता है इन्फ्लेशन में। उनमें से एक आरबीआई का रोल होता है और एक गवर्नमेंट रोल का। आरबीआई का जो पॉलिसी है, जो एसएलआर सीआरआर जो पॉलिसी है वो अगर बैंक रेट रेपो रेट कम कर देता है तो लोन का सस्ता हो जाता है तो पब्लिक के पास ज़्यादा मनी आ जाता है। और गवर्नमेंट पॉलिसी का है गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो बजट पेश किया जाता है उनमें से डेफिसिट जो फाइनेंसिंग है जो फिस्कल डेफिसिट है वो अगर बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन होता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और आरबीआई पॉलिसी दोनों भी इसमें इन्फ्लेशन होने में एक कॉज एक हाथ रहता है। उसके बाद आइए ये इस आधार पर तो इन्फ्लेशन रेट का जो आधार है उस आधार पर इन्फ्लेशन रेट को जीरो से शुरू किया जाता है और जीरो से पहले टाइप ऑफ इन्फ्लेशन से इन परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन का जो रेट इंक्रीज रेट है उस आधार पर ये अप डाउन बहुत सारे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इन्फ्लेशन के परसेंटेज इंक्रीज आधार पर मैं फोर टाइप जो इन्फ्लेशन देखा जाता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा बाद में, और बहुत सारे जो टाइप्स है वो बाद में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो अभी चलता है कि पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जीरो से 3%। सो व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन? क्रीपिंग बहुत ज्यादा नहीं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ए कंडीशन व्हेयर द इन्फ्लेशन
इन ए कंट्री इंक्रीज स्लोली बट कंटिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नोटिस आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, जो बहुत धीरे से बढ़ता है, स्लोली इंक्रीज होता है 0.3%, जिसको ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 3% इन्फ्लेशन है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो 33 ईयर के बाद आफ्टर 33 ईयर द प्राइस ऑफ कमोडिटीज विल बी डबल। सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमिक, ये ज़्यादा कुछ खराब नहीं होते क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि एक मान लीजिए कि एक मैन है, उसका एक फिक्स सैलरी है और वो जो चीज़ खरीदता है उसका अगर वो और कुछ नहीं करना चाहता है कि इन्फ्लेशन रेट सेम रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा इन्फ्लेशन होगा कि वो जिस तरह मनी सप्लाई कर रहा है वो और चीज़ नहीं खरीद पा रहा है, तो क्या करेगा, वो भी कुछ बिजनेस को डेवलप करेगा और कुछ रास्ता ढूंढेगा कि मेरा इनकम भी थोड़ा बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। तो इस तरह थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जरूरत होता है इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद आइए वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये 3-10% होता है। सो व्हाट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन? क्रीपिंग स्लोली जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा और तेज हो गया, मतलब जिसको वॉक मतलब पैदल से चलना शुरू हो गया। सो व्हाट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन? वॉकिंग इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइज मॉडरेटली एंड द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज सिंगल डिजिट 3-10%, इट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब सिंगल डिजिट में 3-10% इन्फ्लेशन ऑफ द रेट वॉकिंग वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिफोर इट टर्न इन टू रनिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद 10% से ज़्यादा, जब 3%, 4%, 5% तक ठीक है, गवर्नमेंट चैन से सो सकता है, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब हो गया तो गवर्नमेंट के लिए रेड सिग्नल, अलार्मिंग सिग्नल है कि गवर्नमेंट का RBI का पॉलिसी तय करना है कि प्राइस लेवल जो है वो 8%, 9% हो गया, अभी से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन 10% 2 digit क्रॉस कर सकता है, जो इकोनॉमिक्स के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये वार्निंग सिग्नल है, इट हेल्प्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हिट्स अप इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हानि पहुंचता है और पीपल स्टार्ट टू बाई मोर टू अवॉइड मच प्राइस। जब 8% 9% इन्फ्लेशन हो जाता है तो पब्लिक क्या करते हैं कि हर रोज थोड़ा थोड़ा करके प्राइस बढ़ रहा है तो कुछ ज़्यादा खरीदते हैं कि आगे आने वाले दिन में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये पब्लिक को पैनिक कर देता है और गवर्नमेंट के लिए भी रेड सिग्नल होता है कि 6, 7, 8, 9% में गवर्नमेंट अलर्ट हो जाना चाहिए। तो एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि गवर्नमेंट जो RBI को, हमारे इंडिया के जो RBI है वो जो कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी है, वो लोग डिस्कस करता है किस तरह इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अभी से कंट्रोल नहीं किया जाएगा बाद में ये हाथ से निकल जाएगा। तो ये रेड सिग्नल होता है, ये आपको कोई एक्सपर्ट नहीं होना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट अगर सही डाटा आपको गवर्नमेंट इंडियन स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की RBI जो गवर्नमेंट जो भी है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पब्लिश कर रहा है उसमें देखेगा कि 80% 9% जनरल एक इन्फ्लेशन हो गया, तो आपको एक्सपर्ट नहीं होना पड़ेगा, आपको जनरल पब्लिक से आप समझ सकते हैं कि इस बार इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को अलर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद ये रनिंग इन्फ्लेशन और इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन करता है कहा जाता है। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन वॉकिंग तेज होता है, तो जब आपको वॉकिंग तेज होता जैसे आपका रनिंग हो जाता है उसी तरह इन्फ्लेशन रेट अगर वॉकिंग स्लोली से वॉकिंग के बाद रनिंग हो जाता है, इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन इज वन दैट डेवलप एट अ रैपिड पेस परहैप्स ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सच ऑफ इन्फ्लेशन इज डेंजरस फॉर द इकोनॉमी एज इट मोस्टली अफेक्ट द मिडिल एंड लो
क्लास इनकम ऑफ द पॉपुलेशन, जो मिडिल क्लास और लो क्लास पॉपुलेशन है जिसको हाई सैलरी है, हाई प्रॉफिट है, हाई इनकम है, उसको इन्फ्लेशन में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लो क्लास मिडिल क्लास जो इनकम है, इनकम जो है वो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि इनकम इनकम जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन इनकम जल्दी जल्दी किसी को नहीं बढ़ सकता है। तो खासकर मिडिल और लो क्लास पीपल जिसको अर्निंग का कैपेसिटी बहुत लो है, लिमिटेड है, वो अगर इन्फ्लेशन रनिंग इन्फ्लेशन में पहुंच गया 10%, 14%, 15% इस पर इन्फ्लेशन चलेगा, तो क्या कि उन लोग को जो जरूरी सामान है, जो सैलरी है, जो इनकम है, उससे नहीं चलता है, तो वो लोग पैनिक हो जाता है, उन लोग को परेशान होता है। उसके बाद क्यों होता है ये मिलिटरीजेशन, जो रनिंग इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इन्फ्लेशन कब पहुंच जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में ही अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं अलर्ट है, एक्सपर्ट को बात नहीं सुन रहा है, पॉलिटिशियन लोग अपना मन मर्जी से काम कर रहा है, तो क्या होता है ये रनिंग इन्फ्लेशन में पहुंच जाता है। कब? जो मिलिटरीजेशन ऑफ इकोनॉमी, जब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके हटा कर कोई अगर मिलिटरी पावर रूल करता है, जिसको इकोनॉमी से कोई लड़ना नहीं है, लोग जिसको चीप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, और वहाँ का पब्लिक भी अलर्ट नहीं है, तो इस तरह हो सकता है, इस तरह होता है। ग्रोथ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो इन्फ्लेशन हो गया, जो बाहर का जो एक्सचेंज रेट है, इम्पोर्ट बाहर से जो इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो डॉलर का जो लोकल वैल्यू मनी है उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि इम्पोर्ट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट कॉन्सर्न ऑफ द हाउस होल्ड एंड कंपनीज आर नॉट एबल टू सेव मनी, जो हाउस होल्ड है और कंपनीज है वो लोग पैसा सेव नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत 20% 30% इस तरह इन्फ्लेशन चल रहा है, तो जो पैसा है वो मतलब अपने जो सामान है उसमें खर्च में चला जाता है, कुछ सेव नहीं हो रहा है, तो सेविंग कम हो जाता है। क्या होता है? सेविंग कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट भी, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। उसके बाद बैंकिंग रिफ्यूज टू प्रोवाइड लोन्स विद ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, बैंक क्योंकि बहुत जल्दी गैलोपिंग हो रहा है, रनिंग हो रहा है इन्फ्लेशन, आज एक फिक्स डिजिट 2% 30% 50% में जो बैंक है वो बैंक क्या करता है कि प्राइस को जो इंटरेस्ट रेट में लो फिक्स इंटरेस्ट में नहीं दे रहा है, कि बाद में इंटरेस्ट बढ़ सकता है ऐसे करके, तो पब्लिक जो लोग इन्वेस्टर है वो लोग मनी नहीं पाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी इनडायरेक्टली हैम्पर होता है। उसके बाद डिजायर टू गेट रीड ऑफ कैश बाई बाइंग गुड्स एंड प्रीसियस मेटल, पैसा से ट्रांजेक्शन नहीं करता है, लेकिन जो प्रीसियस मेटल है, जो सामान है, उसको ट्रांजेक्शन करने की रुचि लेता है, क्योंकि पैसा में कुछ मतलब नहीं है, पैसा से कागज का पेपर का टुकड़ा बन जाता है तब जाकर, इसी तरह सिचुएशन होता है। उसके बाद ये हाइपर इन्फ्लेशन, हाई प्रेशर जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन जिसको हाई पार टेंशन, जैसे हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, इसी तरह हाइपर इन्फ्लेशन, ये क्या होता है कि जो वेरी हाई टाइप ऑफ टाइपिकली एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, इट क्विकली इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ द लोकल करेंसी, इन सच इन्फ्लेशन नॉट ओनली ड्रेन्स द इंक्रीज ऑफ वेरी लार्ज बट द इंक्रीज टेक प्लेस इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्राइस शूट अप ओवरनाइटली, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब रनिंग इन्फ्लेशन भी 50%, 200%, 300% इस तरह इन्फ्लेशन, मतलब आप मनी बैग से पैसा से काम नहीं होगा, आपको बैग से पैसा लेना पड़ेगा, आप मार्केट में जाना होगा और मनी बैग से आपको सामान खरीदना है, इस तरह सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पैसा लेने में कोई रुचि नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रिंटेड प्राइस मार्केट में छोड़ देता है। तो इसी तरह कब होता है, जो जहाँ का कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और है तो जिसे इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है, मनमर्जी आपको काम कर रहा है, इस तरह कोई ये बहुत कम देखा जाता है, लेकिन कभी कभी हिस्ट्री में इसका जो एग्जाम्पल रहता है कि इस तरह इस सिचुएशन में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। सो दैट्स ऑल द इन्फ्लेशन, उम्मीद होप कि दिस टॉपिक विल बी अंडरस्टैंड, दिस टॉपिक ये आपको समझ में आया होगा, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बंधु के दोस्तों के साथ शेयर करिए, और किसी टॉपिक के साथ अगर आपको कुछ पढ़ना है
किस टॉपिक पे जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।